एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर चून की धन के स्वामी माने जाते हैं और सभी जन के सुख समृद्धि के दाता इन्हें माना जाता है। इसी के कारण इन्हें इस बात का अभिमान हो जाता है कि इस संसार में उनका कितना महत्व है, उनमें इतनी क्षमता है कि वो सभी का भरण पोषण कर सकते हैं। सभी सुख सुविधाओं का एक मालिकत्व उन्हीं के पास है, कोई भी उनकी शक्ति से तृप्त हो सकता है। अपने इस अभिमान के कारण कुबेर सभी देवी देवताओं से अपना स्वयं गुणगान करने लगता है और सबसे बार बार पूछता रहता है कि वो ऐसा क्या करे कि लोग और भी उसकी जय जयकार करें। इसी प्रकार अपने अभिमान में चूर कुबेर एक दिन कहीं भ्रमण में रहता है और उसकी मुलाकात देवर्षि नारद से होती है और वो उनसे अपना बखान करने लगता है कि किस प्रकार वो सभी का भरण पोषण करता है। और स्वभाववश वो नारद मुनि से पूछ बैठता है कि वो और क्या करे जिससे उसके वर्चस्व में चार चांद लगे। नारद मुनि को कुबेर के अभिमान का एहसास हो जाता है और उसके अभिमान को तोड़ने के लिए वो एक व्यूह रचते हैं और उसे अपने बातों में फंसा लेते हैं और कुबेर से बोलते हैं कि वो एक बहुत भव्य भोज का आयोजन करे और उस भोज में संसार के सभी जीवों को, साथ ही साथ सभी देवी देवता, नाग, गंधर्व, यक्ष इत्यादि को आमंत्रित करे। इसके साथ ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी इस भोज में सपरिवार आमंत्रित करें। अपने अभिमान के कारण कुबेर देव नारद मुनि द्वारा रचित इस मायाजाल का अनुमान नहीं लगा पाते हैं और उनके सलाह को ध्यान में रखते हुए भोज की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो स्वयं ही त्रिदेवों को उस भोज में आमंत्रित करने जाते हैं। जब वो शिव को आमंत्रण देने कैलाश पर्वत जाते हैं तो महादेव को पहले से ही सब कुछ ज्ञात रहता है कि ये नारद मुनि द्वारा रचित व्यूह है और इसके जरिए वो कुबेर अभिमान का नाश करना चाहते हैं। कुबेर देव महादेव को नतमस्तक हो उन्हें सपरिवार भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पर शिव बोलते हैं कि मैं तो ठहरा सन्यासी, मैं क्या भोज में जाऊंगा, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी अर्धांगिनी होने के कारण पार्वती देवी भी नहीं जाएगी, लेकिन मेरी तरफ से मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए श्री गणेश को भोज के लिए भेजता हूँ। श्री गणेश भी अंतर्यामी है और स्वयं वृद्धि सिद्धि के दाता है। उन्हें समस्त प्रसंग का आभास रहता है और वो अपनी लीला देखने के लिए कुबेर देव के साथ चल देते हैं। कुबेर के राजमहल में पहुंचकर श्री गणेश कुबेर को चेतावनी दे देते हैं कि भोजन करते समय उन्हें बिना किसी रुकावट के भरपेट भोजन मिलते रहना चाहिए, अगर कोई रुकावट हुई तो वो रुष्ट हो जाएंगे। कुबेर देव अपने अभिमान में चूर सोचते हैं कि आखिर स्वयं कुबेर के भंडार में कैसी कमी हो सकती है, और सभी सेवकों को श्री गणेश को भोजन परोसने को कहते हैं और अपने सभी सेवक श्री गणेश को तृप्त करने को लगा देते हैं। सभी सेवक विभिन्न प्रकार के पकवान और मिष्ठान इत्यादि परोसने लगते हैं और श्री गणेश भी अपनी लीला प्रारंभ करते हैं, जिससे जो कुछ भी उनके सामने परोसा जाता है वो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। श्री गणेश अपना रफ्तार बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे करके सभी पकवान समाप्त कर देते हैं, पर उनकी क्षुधा नहीं बुझती। श्री गणेश बोलते हैं मुझे स्वयं अपना भंडार दिखाओ क्योंकि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, और जाकर भंडार का सभी कच्चा सामान भी खा लेते हैं। फिर कुबेर से बोलते हैं यदि तुमने मुझे तृप्त नहीं किया तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। और कुबेर देव भयभीत होकर महादेव की शरण में भागते हैं और वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों में पड़ जाते हैं और अपने प्राणों के रक्षा की दुहाई देते हैं। इस पर शिव श्री गणेश को बोलते हैं कि जाओ अपनी माँ के हाथ से बना भोजन करो और अपनी क्षुधा को तृप्त करो। इस प्रकार कुबेर देव अभिमान का नाश होता है और अपनी गलती का एहसास होता है और स्वयं शिव से क्षमा मांगकर वो पुनः अपने लोक में आ जाते हैं। निष्कर्ष, स्वयं कुबेर जो कि एक देव स्वरूप है, वो अपने अभिमान के कारण अपने प्राणों को संकट में डाल बैठते हैं। तो हमारे पास कितना भी कुछ हो, हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, स्वयं ईश्वर इससे रुष्ट हो जाते हैं। हमारे सुख समृद्धि का प्रयोग किसी के सहयोग, सेवा इत्यादि में लगाना चाहिए और वो भी निस्वार्थ भाव से। हमारे मन, वचन या कर्म में तनिक भी अभिमान का अंश नहीं आना चाहिए।